दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15x60 का हाउस प्लान या होम डिजाइन। जैसा कि आप ये मॉडल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है जिसका साइज है 15x60 और यहाँ पर विथ कार पार्किंग है। 15x60 विथ कार पार्किंग ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है। बहुत ही उम्दा बेहतरीन मॉडल आपको ये देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर मैनेज है। मैंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर डिजाइन किया है विथ कार पार्किंग विथ लेटिंग एंड बाथरूम। बेहतरीन सा प्लान है 15x60 में। अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहने पर उन्होंने 15x60 का ये बेहतरीन सा डिजाइन दिया है, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे। चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें, सामने से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला होगा और इसका टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ऊपर से आपको दिखेगा, साइड से आपको ऐसा दिखेगा। आसपास ज्यादातर घर ही बने होंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। आपको ये इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं होम डिजाइनिंग से रिलेटेड, जो आप बहुत ही आसानी से घर बनवा सकते हैं, देख कर एक आइडिया ले सकते हैं। तो चलो इस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं हमेशा के तरीके। सबसे पहले मैं करूंगा इसको ट्रांसपेरेंट, और जैसे को आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो ये मॉडल देखिए आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में ऐसा दिखने वाला है। अगर फ्रंट से बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में आपको ऐसा दिखेगा, और साइड से देखिए तो आपको ट्रांसपेरेंसी में ऐसा दिखने वाला है जिसमें आपकी दीवारें सारी हाइड हो जाती है और इसके बाद आपको ये मॉडल देखने को मिलता है। तो चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर हम इसको ले आते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो ये मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है। अब इस मॉडल को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मॉडल का डिफाइन करेंगे ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो देखिएगा ये मॉडल आपको यहाँ पर ऐसा दिखने वाला है, आप देख सकते हो साइड से। और पूरा मैं डिस्कस करूंगा फ्रंट व्यू। फ्रंट से आपको ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखेगा, आप देखिए जूम करके मैं दिखा दूं। जैसे आप इंटर करते 15x इसकी पूरी चौड़ाई है, और यहाँ पर बड़ा सा मैंने गेट दिया है स्टार्टिंग में अप्रॉक्स 10 फीट और लगभग 11 फीट का, जहाँ पर आप कार पार्किंग के लिए 12 फीट ये स्पेस बचता है। इस 12 फीट में आपका गैलरी भी शामिल है और यहाँ पर स्टेयर्स भी शामिल हैं। स्टेयर्स आपका लगभग 3 फीट का ऊपर से आकर इधर को मुड़ जाता है और यहाँ पर आप कार पार्किंग कर सकते हैं। 12 फीट का ये लंबाई बचता है। जैसे आप यहाँ से इंटर करते हैं सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड। दोस्तों जो बना दिया है काफ़ी बड़ा लेटरिन एंड बाथरूम है, काफ़ी आप यहाँ पर बाथरूम काफ़ी बड़ा साइज बनाया है। जैसे के बाद आप आते हैं तो आपकी गैलरी मिलती है 4.5 फीट की अप्रॉक्स, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका किचन, ओके। और इसका ये आपका आंगन मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है ओपन। और जैसे आप आंगन के बाद फिर गैलरी से अंदर जाते हैं तो ये आपको पीछे सबसे बड़ा बेडरूम मिलता है पूरा 15 फीट चौड़ाई में, और ये आपको बेडरूम मिल जाता है लगभग 11 फीट का ये बेडरूम, और 15 फीट का ये पूरा टोटल मिल जाता है। दो बेडरूम मिल जाते हैं, इसके साथ आपको किचन मिल जाता है और लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड, और आपको स्टेयर्स विद कार पार्किंग, और यहाँ पर आपका कुछ स्पेस बचा भी रहता है। तो ये 15x60 में पूरा मॉडल था जो मैंने डिस्कस किया, और ये मेन डोर था। तो जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे यहाँ पर आएंगे इस फ्लोर पर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ओपन एरिया मिल जाता है ये, जो 12 फीट का लगभग जहाँ पर कार पार्किंग और पूरा ओपन एरिया मिल जाता है डिजाइनिंग। और इसके बाद आपको ये मिल जाती है 4.5 फीट की गैलरी, और इसके माध्यम से आप जाएंगे अंदर तो सबसे पहले मिलेगा आपको एक बेडरूम, इसके बाद गैलरी से यहाँ पर वो आंगन जो पीछे था वो सेम टू सेम आंगन मिलेगा। यहाँ से आपका बाथरूम हट जाता है, किचन हट जाता है, तो बहुत ही बड़ा स्पेस मिल जाता है। फिर से आपको एक बेडरूम और पीछे एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी 3 बेडरूम मिल जाते हैं, ये आपको ओपन एरिया जो आप आगे बैठ कर इंजॉय कर सकते, ओपन एरिया मैंने क्रिएट किया है। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर हो गया प्लान का, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका लास्ट फ्लोर। जैसे आप ऊपर आते देखिएगा यहाँ पर आपको और कुछ खास नहीं, बस मैंने जीने को ढक दिया है जिसमें बरसात में आपका पानी ना हो, और गेट एक दे दिया है। तो ये डिजाइनिंग का पार्ट है। दूसरी विंडो दिए हैं मैंने, विंडो, और आप बहुत ही उम्दा तरीके से देख सकते हैं। ये मॉडल आपको बेहतरीन लगेगा जब बनकर तैयार होगा आपका घर 15x60 में।
ये आप 15x60 है, अगर आप 15x50 भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। आपको यहाँ पर एक रूम हटाना पड़ेगा, चाहे वो पीछे का हटा दें या बीच का हटा दें। तो 15x60 का भी ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं। बेहतरीन सा मॉडल हमने डिस्कस किया है विद कार पार्किंग। तो दोस्तों, ये नक्शा कैसा लगा, ये घर का नक्शा आपको कैसा लगा, मैप कैसा लगा, डिजाइन कैसा लगा, हमें आप लाइक करके बता दें। अगर आप लाइक करते तो मुझे लगेगा मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।